हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं किरण और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये नई वीडियो फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको क्लिक करें और साथ में सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं बताने जा रही हूँ आपको सूजी का अप्पे का रेसिपी। इसको बहुत लोग फड्डू बोलते हैं, बहुत लोग अप्पम बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है और बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। बच्चों को आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप अपने ब्रेकफास्ट में, शाम के स्नैक्स में बना सकते हैं। कम तेल में बनता है इसलिए बहुत ही हेल्दी होता है। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 3/4 कप सूजी। सूजी आप बारीक वाला ले सकते हैं। और उसके बाद 1 कप लिया है मैंने इसमें दही। दही काफी अच्छा वाला और ताजा दही ले, ज्यादा टेस्ट लगेगा। और फिर मैंने इसमें ऐड किया है स्वाद के हिसाब से नमक। नमक लगभग 1.5 चम्मच मैंने डाला है। और फिर थोड़ा सा पानी डाल करके, दही वाला जो मैंने बर्तन रखा था उसी में पानी डाल करके इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बैटर रेडी करना है। थोड़ा सा गाढ़ा ही रहेगा बैटर, और इसको बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, क्योंकि इस अप्पे बनाने में बिल्कुल भी हम डोसा जैसा बैटर नहीं बनाते हैं। थोड़ा सा गाढ़ा बैटर होता है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। इसको हम ढक करके 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे, तब तक इसका हम सब्जी यानी वेजिटेबल्स वगैरह रहता है वो हम रेडी करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है, और फिर तड़का में डाला है जीरा और काला सरसों, और इसको अच्छे से भून लेंगे। जैसे ये अच्छे से भून जाएगा फिर इसमें बाकी का इन्ग्रीडियंट्स ऐड करेंगे। बाकी इन्ग्रीडियंट्स मैं डाली हूँ 1.5 इंच के आसपास कटा हुआ अदरक, उसके बाद 2 हरी मिर्च। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छे से भून ले 20-25 सेकंड तक। फिर इसमें हम डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। दोस्तों, बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही कम ऑयल में बनता है, और बच्चे इसे बहुत ही खुशी से प्यार से खाते हैं। तो जैसे हमारा प्याज फ्राई हो जाएगा, अब उसमें हम डालेंगे बहुत ही कम यानी 1/4 कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च कटा हुआ, 1/4 गाजर कटा हुआ। दोस्तों, बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट्स आप इसमें डाल सकते हैं, अपने मनपसंद की और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो हल्का सा इसमें नमक हम अभी डाल देंगे सब्जी के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से। ऑलरेडी मैंने सूजी के बैटर में भी डाला हुआ है, तो आप हिसाब से ही नमक डालें। और अच्छे से इसे भूनना है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं भूने, ज्यादा जलाना नहीं है। और हमारा 10 से 15 मिनट हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल करके बैटर को थोड़ा सा पतला और कर लेंगे, और फिर इसमें हम डालेंगे हमारा भुना हुआ सारा सब्जी। बैटर इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए कि आपका जो फड्डू है काफी अच्छा बने, अप्पम काफी अच्छा बने। तो हम डाल देंगे अपना सारा सब्जी पका हुआ, और इसको डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, मैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी और अच्छा रेसिपी है ये। इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया से भी स्वाद काफी ज्यादा बढ़ के आता है। तो इसको मिलाने के बाद हम इस तरह का आता है, हमें अप्पे रेडी करने के लिए हर जगह मिल जाता है बर्तन। तो उसमें हम थोड़ा सा तेल डाल करके अच्छे से उसे ग्रीस कर देंगे, ताकि जब हम इसमें फड्डू डालें तो वो चिपके नहीं। और फिर थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में डाल करके हम सारा फड्डू, सारे वाले जो खाने बने हुए हैं उस तरह से उसमें डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद हम इसे गैस पे डाल देते हैं, और इसे पकाना है बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल भी तेज ना करके पकाएं, और ढक दें। और जब तक एक साइड हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो, तब तक ही इसे ना पलटे। तो अब देख सकते हैं काफी अच्छा कलर आ चुका है, तो हम इसे पलट देते हैं। दोनों साइड से हमें अच्छे से पकाना है, तो दोनों साइड से हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ध्यान रखें कच्चा बिल्कुल भी ना रहे, इसलिए कम आंच पे पकाएं, कम गैस करके पकाएं, ताकि जले नहीं। और इस तरह से देखिए आज का मेरा फड्डू अप्पे का रेसिपी रेडी हो चुका है सूजी का, जो कि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। इसको आप बच्चों के टिफिन लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें। चटनी के साथ इसको सर्व कीजिए, नारियल की चटनी के साथ। और अच्छा लगे आज का वीडियो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, तो मिलते हैं एक ऐसी अच्छी हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।